धन्यवाद। तारीख 27 अक्टूबर 2023 हम हो गया है 1:00 PM 14:00 PM। बात सुनो, एसपीजी वाला है तू? एसपीजी ब्लैक लिस्ट है तू, कोई एजेंसी नहीं है, समझ में आ गई? सिर्फ गार्डिंग एजेंसी है, गार्डिंग समझो सिक्योरिटी प्रोवाइडर्स हो। तू कोई मीडिया एजेंसी नहीं है, एक्रेडिटेड एजेंसी नहीं है, तू जा रहा तो बन रहा हो। लाइसेंस है तुम्हारे पास? लाइसेंस है? टेवर का लाइसेंस नहीं है तेरे पास? तू किसे धमकी दे रहा है? जान बचाता फिरेगा जान अपनी? तुझे धमकी दे रहा है ना मेरे को, और जो नवनीत राणा धमकी दे रही है मुझे, देख लेगी। भारत सरकार में एसपीजी वालों के पास लाइसेंस नहीं है, ब्लैक लिस्ट हो तुम, ब्लैक लिस्ट। और रह गई बात नवनीत राणा के, जो तू दिमाग लगा रहा है ना, मैसेज भेज रहा है कि नवनीत राणा को निकाल के दिखा, मुझे क्या पड़ी है? मैं काम करता ही नहीं डोमेस्टिक आर्टिस्ट के साथ, मैं करता ही नहीं, मैं एक भी डोमेस्टिक आर्टिस्ट हायर करके खुश नहीं हूं। सारी मेरी इंटरनेशनल आर्टिस्ट हैं, सब प्रोफेशनल होती हैं, प्रोफेशनल। पैसा फेंको, तमाशा देखो, समझ में आई? मैं डोमेस्टिक आर्टिस्ट रखता ही नहीं। मैंने मैसेज भेजा अभी नवनीत राणा को, पढ़े रहने दे इसको। मैंने भेजा मैसेज नवनीत राणा को, पढ़े रहने दे इसे, हमें ना पता कोई हो ये, कोई हो ये। सुबह भी मेरा मैसेज था, ये तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, अपने आप अपने पैसे वैसे का मामला समझेगी, हमें क्या मतलब है? हमें क्या पता कौन इसको मिनिस्टर बना रहा है, कौन इसको प्रधानमंत्री बना रहा है? पर तू अगर सोच रहा हो ना, ओ ओ ओ ओ, सुना तेरे वॉल्ट पे रेड हो गई इनकम टैक्स की, 56 करोड़ US डॉलर का एक पैकेट है, हैं? बैंक ऑफ इंडिया से लूटा हुआ पैसा, एटीएम को तोड़ के निकाला हुआ पैसा, जो तू जौनापुर, मैदानगढ़ी, छतरपुर, मांडीगांव, आया नगर, असोला, भाटी माइंस, तेरा मंगलापुरी, गुड़गावा, क्या कहते हैं, हाँ ये इधर के लौंडे इकट्ठे करके जो एटीएम तोड़ता फिरता है ना तू, और कैश वैन लूटता है, उसका जो पैसा रखा हुआ रेड हुई है अभी इनकम टैक्स की। और तूने अपने लिए काल बुला लिया है इंडियन आर्मी में CRPF को वॉर की धमकी दे के, अपने लिए तूने काल बुला लिया है, वॉर की धमकी दे दी तूने, बोफोर्स फायर करने के लिए कहा तूने बागा बॉर्डर पे, हैं? तेरी आवाज थी ना, अभी वायरलेस में तेरी आवाज थी ना, तूने कहा ना कि बागा बॉर्डर पे जरा बोफोर्स फायर करियो इंडियन आर्मी पे, हैं? तेरी आवाज थी ना, और वहां से जवाब क्या मिला? तेरे बाप के नौकर है क्या हम? ये जवाब मिला ना ना हम तो कुछ सुनते नहीं ना, हम तो कुछ सुनते ही नहीं ना, एक अकेली अनोखी विद्याएं तू ही लेके घूम रहा है, कभी सीढ़ी से उतरते, कभी सीढ़ी से चढ़ते, कभी बच्चू, कभी पिद्दा, कभी दही बिलो रहा हूं, हम तो कुछ देखते ही नहीं, हम तो कुछ सुनते ही नहीं ना। वो जो प्लॉट है वो तेरी बीवी के नाम से है ना, आया इनकम टैक्स वालों का फोन, ठीक है जा बेटा जा, मार मूर देंगे, ठीक बात नहीं होगी। मुझे ना तुम्हारे जैसों को ऐसे मारने में मजा आता है, समझ में आ गई? ऐसी मार सबसे भयानक होती है, भीख मांगेगा तू रोड पे अब, क्यों? यहाँ जितने लड़के इकट्ठे कर रहा था ना तू, मेरे लड़के के पीछे पड़ रहा, शौर्य को भी लेके आया एजेंसी में, ना तू देख ले अब वो यूनिवर्सल स्टूडियो का आर्टिस्ट है, तेरी तो औकात क्या है? तेरी माँ ने ना, तेरी माँ ने 10 लाख भी पैदा किए होंगे ना तेरे जैसे, तो मेरे बेटे की बराबरी नहीं कर सकता शौर्य की। ये जो तू अंकुश और तनिष्क चाइल्ड अब्यूज में तू अलग फंसा हुआ है, समझा, ये दहिया पहिया सबको इधर आ जाओ, उससे 8 लाख रुपए ले लिए लंबू से, मैं बनाऊंगा तुम्हें आर्टिस्ट और ये और वो,
मेरा बेटा शौर्य मंडल यूनिवर्सल स्टूडियो का आर्टिस्ट है, ड्रैगन बॉल जी, तेरी तो औकात क्या है, वो इंटरनेशनल आर्टिस्ट है। और क्या एसपीजी डिपार्टमेंट वाले हैं, इनके औकात का लाइसेंस तो है नहीं इन पे। अच्छा बता कौन सा लाइसेंस है तेरे पे, फोटोग्राफी का लाइसेंस है, कैमरा यूज करने का लाइसेंस है। अबे हमने तो नीचे ना, हाँ इसे कहते हैं गांड में हाथ दे के मुंह से निकाल देना, मोदी की गांड में हाथ दे के मुंह से निकाल के ना स्मृति जुबिन ईरानी का 2,00,000 करोड़ यूएस डॉलर दिलवा दिया अभी थोड़ी देर पहले। बहन के लौड़ा तेरी तो औकात क्या है, शीशे के आगे खड़े होके ना सुन लियो मैं क्या बोलता हूँ, मोदी की गांड में हाथ दे के ना मुंह से निकाल दिया उसके, ठीक है। वो जो शिमला के पास उसका वॉल्ट है ना, हाँ मैंने एक ही बात कही थी, पैसे दे रहा नहीं दे रहा स्मृति जुबिन ईरानी के, उसके 2,00,000 करोड़ यूएस डॉलर जो है वो ले रखे थे, दे नहीं रहा उसके, आर्टिस्ट है वो, पैसे ही ना दे रहा। मैं कहा देख ले अगर हमने रेड करी ना तो सारा वॉल्ट उठा के दे देंगे स्मृति जुबिन ईरानी को, मैडम ये पकड़ो ये पकड़ो, सारा रखना है सारा रख ले, तुझे जैसे करना कर, हम तो वो वाले हैं। खुमेनी ने खुद फोन किया, फाइल दे दी बस टेबल पे, यार एक केस है जरा देख लोगे क्या हो गया सर, कह रहा सारी बात छोड़ यार एक मामला जरा ये देख ले सब, तू अपने आप समझ जाएगा क्या हो गया। ये मैं कहा इनकी फोटो क्या बात हो गई, कह पढ़ ली फाइल, मैंने पढ़ी नहीं फोटो देख पूछ रहा हूँ आप बता दो ना पढ़ना क्या है। कर यार इसके पैसे रोक रखे हैं मोदी ने, पैसे किस चीज़ के, कर आर्टिस्ट है यार, आर्टिस्ट है, ओह ये बात है मेरे पहले बता देते, कर पैसे नहीं पता कितने पर ठीक ठाक है हम दिला देंगे यार, इतनी सी बात समझ में आ गई। एसपीजी वाला है मोदी, सुन ले कान खोल के रिकॉर्डिंग, मोदी की गांड में हाथ दे के ना बहन के लंडे मुंह से निकाल दिया मैंने इतनी सी देर में, मोदी ने चुपचाप पैसा ट्रांसफर किया चुपचाप, मारा अलग उस भोसड़ी वाले को हमने, ठीक है। लौड़े का तू एसपीजी भोसड़ी के बहन के लौड़े, ये आर्टिस्टों की दुनिया है, पैसा मत रोक लिया दोबारा, ये माँ का लौड़ा यहाँ आस पास सबसे 8,00,000 रुपए लेके इकट्ठे कर रहा, लड़के लड़कियां मैं बनाऊंगा सीरियल, वहां होकर रेड वॉल्ट पे होकर छापा, सारा अली खान का इस माँ के लौड़े ने पैसा देना, तो उस कुत्ते के बीच में जय दुर्गेश पे गार्ड बना खड़ा, ये कई थे एसपीजी वाले गधे के बच्चे, इन्होंने क्या करा सारा अली खान को इंडिया बुलवाया, तब से लेके अब तक सारा अली खान का 26 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपया बन रहा था। सैफ अली खान जी का फोन आया जी, उन्होंने फाइल रख दी, कह रहे एक मामला जरा देखेंगे आप, क्या बात हो गई, अरे यार मेरी गुड़िया का पैसा ना दे रहा, ये कौन है ये। सैफ अली खान इसको गुड़िया बोलते हैं, पूछ रहे ना बोलते हैं तो, मैं चाहे इतनी सी बात, मैं कभी यार पैसे देकर ना भैनगढ़ भीख मांगे रोड पे, जानता नहीं मैं कौन हूँ, कह रहा मैंने अपने पीएस को बोला था यार किसी से बात कर रही हो जरा, तो उन्होंने आपका नाम बता दिया, मैं भी हैरान हुआ भाई ये इनकी बात कर रहा है, पता नहीं यार ये काम करेंगे, कह रहा नहीं नहीं आदमी बढ़िया काम तो कर देंगे, समझे क्या काम है। अब बहन के लौड़े तू और तेरी बीवी रोड में भीख मांगेंगे माँ के लौड़े, और सारा का सारा वॉल्ट दे दिया मैंने सारा अली खान को, जितना पैसा चाहिए तू रख, ठीक है जितना पैसा चाहिए तू रख, मैंने सारा अली खान जी को बोल दिया, मैं कहा जी आप रखो पूरा वॉल्ट, मर्जी हो तो पैसे सारे रखो, अपने हिस्से के रखने तो अपने निकाल लो, हमें कोई परवाह नहीं, ये रहा इस हरामजादे का वॉल्ट, और ऑल ओवर वर्ल्ड में वायरलेस करवा दिया, अगर किसी ने किसी आर्टिस्ट का पैसा रखा तो यही असर करूँगा, यही असर करूँगा, सोच ले यही असर करूँगा, ठीक है ना, पेमेंट की सिक्योरिटी दे दी, मैं कहा जब वही से बसड़ा, ऐसी मार मारूंगा ना पूरा एसपीजी डिपार्टमेंट जो है ना
पूरी जिंदगी भीख मांगेगा ऑल ओवर वर्ल्ड में, लाइसेंस नहीं मिलेगा कोई। और मैं कराऊंगा आज तेरा लाइसेंस कैंसिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एसपीजी डिपार्टमेंट का, और ना करा दो तो नाम बदल दियो मेरा, तो देख मजा, सारे लाइसेंस रद्द करा दूंगा मैं तुम्हारे सारे। और अगर इंडिया में एनएसजी स्वाट मार्कोस कोई यूनिट अपने आप को ज्यादा 30 मार्क का समझती हो ना, बंदूक की धमकी दी या बदमाशी दिखाई, कागजी मार मारूंगा, पहले मारूंगा कागजी मार और उसके बाद मार के कागज पिलाऊंगा। मैं इतेस हूं और असली वाला हूं, सोच ले। मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं स्मृति जी की निरानी का मामले में, कोई लेना देना नहीं। खुमैनी साहब ने कह दिया काम हो जाएगा, इतनी सी बात है। ये है क्या ये मेरे आगे, अब बकवास करिए मेरे से, निकल ले पतली गली से, वहां पहुंच जाए फटाफट फटाफट पहुंच ले, शायद कुछ मिल जाए, बच जाए तो बी बच्चे पाल लेगा। और तुम सुन लो भाई, जिस जिसने इसके पास पैसा जमा कराया था एसपीजी डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया में, तुम्हारे सबका पैसा गया चौपट, इसके कहने पे तुम चल रहे थे, तुम समझो तुम्हारा काम समझे, हमारी जिंदगी प्रभु श्री राम समझे। बोल सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम एजेंसी का नाम सुना तुमने? श्री राम एजेंसी का नाम सुना है? बस वही वाले हैं, वही वाले हैं, हमसे बड़ी एजेंसी नहीं है कोई, हमसे बड़ी एजेंसी नहीं है। आज दोपहर के बाद 4 बजे तक भारत सरकार एसपीजी डिपार्टमेंट स्पेशल प्रोडक्शन ग्रुप के सारे लाइसेंस रद्द करवा दूंगा, कह के चैलेंज श्री राम एजेंसी। चाय एजेंसी हो जाकर से बहुत बड़ी है, बहुत बड़े लोग हैं, बहुत बड़े लोग हैं, ठीक है, श्री राम एजेंसी से हम लोग प्रभु श्री राम के भक्त हैं। ये नहीं अरुण गोविल वगैरह नहीं, रामायण सीरियल हमारा फाइनेंस किया हुआ है, हमारा जितने धार्मिक सीरियल है सब हम फाइनेंस करते हैं चुपचाप। करो क्या दिखा रहे हो तुम, इसमें पता नहीं लगता पैसा कहां से आ रहा है, कहीं से बनाओ, पहचाना मुझे, श्री राम एजेंसी का मालिक हूं और असली वाला हूं। यूनिवर्सल स्टूडियोज मेरी है भाई, वर्ल्ड की ऐसी कौन सी कंपनी जो मुझसे बाहर है, श्री राम एजेंसी का मालिक हूं, था हूं और रहूंगा। सारे धार्मिक सीरियल हमारे होते हैं, बाइबल की कहानियां भी मेरा था। मैडम क्या बोल रही हो, लोगों को पता नहीं लगेगा, कैसे नहीं पता लगेगा भाई, दिखाते नहीं हो, दिखाओ यार जो लिखा दिखाओ, कोई चिंता नहीं है, बनाओ, कोई नहीं जानता पैसा कहां से आता है, पर एकदम जेन्युइन पैसा। अगर किसी लड़की को तंग किया या मेरी एजेंसी में कोई बदमाशी दिखाई तो सोच ले, मैं वो हूं जो तुम कभी नहीं बन सकते, ठीक है ना। यहां पहले ही चेक कर लेना, छुटते ही गाली देते हम तो, छुटते ही यहां बताइयो, ठीक है, बताओ यार वो लड़की का 26 लाख करोड़ रुपया यार, पाकिस्तान से कब की आई हुई लड़की, हर तरह की उसकी प्रोफाइल है, मेरे पैसा दे दवा दे यार, जान दे यार क्या हो गया, क्या बात हो गई, कौन चाय एजेंसी, कौन कौन का एजेंसी, हमसे बढ़ेंगे, श्री राम एजेंसी के मालिक है, बिल्कुल है। भारत में सारे तीर्थ हम चलवाते हैं, बिल्कुल चलवाते हैं, चलो कोई बात, अपनी पे उतर गए ना, समझ में आ गई बेटा, कुंडली बदल देते हैं आदमी की, जितने पंडित हो पुरोहित हो ब्राह्मण हो मंदिर हो सब हम चलवाते हैं, सब, पर हम तुम्हारी तरह नहीं है, समझ में आ गई। जब कुछ खरीदने पे उतर जाए ना तो लोगों का पैसा खत्म हो जाता है, हमारा नहीं खत्म होता, हम वो लोग हैं, सब सब हम चलाते हैं।
वेटिकन हम चलाते हैं, काबा हम चलाते हैं, सब हम चलाते हैं, हमें श्री राम एजेंसी के मालिक, समझ में आ भाई, श्री राम भक्त हैं हम, और हमें को किसी किसी भी चीज में हमारा मन ही नहीं लगता, और अगर किसी को अगर कुछ ज्यादा दिक्कत हो तो भाई बात कर, समझ भाई। और हमारे को ना श्री राम नाम शब्द पे किसी व्यक्ति का चेहरा नहीं दिखता कि एक व्यक्ति आगे खड़ा हो जाए कि वो श्री राम है, बाहर निकल जाए, समझ में आ गई, बाहर निकल जाए यहां से। ठीक है, इसको सेंटर में रखियो, 4 बजे तक भारत सरकार एसपीजी डिपार्टमेंट का लाइसेंस रद्द है आज, और देख कैसे करता हूँ मैं, बहुत आसान है मेरे लिए, बहुत छेड़छाड़ कर रहा तू इंटरनेट से, बहुत छेड़छाड़ कर रहा है, तार नोच देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, वो देख बोल दिया ना, वहाँ पहुँच गया एप्लीकेशन, फोन आ जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है, वाह भाई वाह, सब हम चलवाते हैं, सब बनकर सुना नहीं देता मुझे, हमने कहा यार तो सुधर जा, कोई बात नहीं, हम जा भाई जा, मार ऐसे नहीं मारते, ऐसे मारते हैं, अब भुगत सीआरपीएफ वालों को, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा नाम है हितेश मंडल, एजेंसी बता दी।